साथियों जय आरसीएम, मैं हूँ यादव मंडल और मैं लेकर आया हूँ आज आरसीएम आटा का वीडियो। जैसे कि आप हम लोग जानते हैं आजकल भागदौड़ का जिंदगी में सबसे ज़रूरी है जो वो है खाना पीना। अगर खाना पीना का चीज़ अच्छा नहीं होगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे, हम लोग अच्छे से ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे। इसलिए आरसीएम का जो आटा है दोस्तों, ये आटा कैसे बनते हैं इसके ऊपर आज पूरा डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये पूरा देखो, आज तक देखो, तब आप लोगों को पता चलेगा ऐसा हाइजेनिक प्रोडक्ट आपको बाज़ार में आसानी से कहीं नहीं मिलेगा। ये आरसीएम आप लोगों को लिए, हम लोगों के लिए ये आटा हाइजेनिक तौर से बना रहा है। ये फैक्ट्री विजिट का वीडियो है, पूरा अंत तक देखो। तो सबसे पहले दोस्तों जो गेहूं है वो सबको ऊपर का टैंक में रखा जाता है जहाँ के टॉप फ्लोर में है, और उसके बाद ये जो मशीन है इसके अंदर धीरे धीरे प्रोसेस कन्वर्ट वेल के द्वारा आता है। सो चलिए पहले उस रूम में जाएंगे जहाँ पे मिट्टी वगैरह सब कंकड़ जैसा जहाँ सब खराब चीज़ है वो सब अलग करता है एक एक करके मशीन के द्वारा। उस घर में जाके देखेंगे सब। तो अभी ये जो देख रहा है इसको चाकी बोला जाता है, ये पत्थर से बना हुआ है। इस चाकी से हम लोगों को जो आटा है गेहूँ है उसको पीस करके ग्राइंडिंग किया जाता है, उसके बाद जो फ्लावर है व्हीट फ्लावर निकलता है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे प्रोसेसिंग चलता है सब कुछ अलग अलग करने का, मतलब फ्रेशिंग करने का, नीटिंग करने का। जैसे कि देख सकते हो ये है वेटिंग स्केल यहाँ पे है। ये देख रहा है ये पत्थर का दाना है, देख रहा है मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ये देखो पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर है। और भी उधर जाएंगे तो उस साइड में भी देखेंगे और भी बहुत। ये देखो ये एक हो गया पत्थर के लिए। और अभी ये देखो ये एक अलग चीज़ का है, मतलब ये अलग साइज का पत्थर है। यह पर भी पत्थर है लेकिन ये अलग चीज़ का है। हर मशीन में हर साइज का पत्थर अलग अलग करके मशीन को द्वारा फिल्टर कर रहा है घी को। ऐसे ऐसे प्रोसेसन कभी अभी नहीं, मैं यही देखा कभी, मेरा आज इधर आके फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, जो ऐसा करके कंकर सब अलग अलग कर रहा है साइज का हिसाब से। और भी मिट्टी अगर देखेंगे मिट्टी को भी अलग करके रखता है। ये डुंगली है, डुंगली को ऐसे बन के फिल्टर कर रहा है। फिल्टरिंग का प्रोसेस मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। फिल्टर को देखो सिर्फ कैसे फिल्टर, ये जो मिट्टी है यहाँ पे सिर्फ मिट्टी आ रहा है गेहूँ का। बहुत सारा दिमाग लगा के रखा है कंपनियों ने हम लोगों के लिए सिर्फ हाइजेनिक देने के लिए। और अगर हम लोग ये सब देख कर उसके बाद भी हम लोग अगर नहीं आरसीएम को समझ पाएंगे तो कैसे समझेंगे बोलो। दोस्तों ये सब स्टेप गुजरने के बाद भी उसको रहा नहीं होता, क्योंकि वो जो लास्ट में जहाँ पे जाता है वो फ्लावर वो चाकी के लिए, उस वहाँ पे चाकी होने के बाद उसको भी मैग्नेट के द्वारा जो लोहे का जस्ट जो टुकड़ा है उसको खींच के अलग किया जाता है, वो भी मशीन के अंदर ही होता है। दोस्तों सोचो एक बार, सिर्फ सोचो कितना दिमाग लगा के ये हम लोगों के लिए बन रहा है कंपनी, हम लोगों के लिए स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए ये सब कर रहा है कंपनी हम लोगों के लिए, सिर्फ एक बार सोचो। बोले तो टोटल 18 स्टेप गुजरने के बाद हमारा आटा जाके बन के तैयार होता है मार्केटिंग के लिए और खाने के लिए बोल सकते हो। अभी एक बार सोचने के बाद है 18 बार प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोगों को मिलता है ये जाके आटा। ये सब जो देख रहा है मशीन है ना, इस सोचो कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी ने। मुझे तो देख के बहुत गर्व फील हो रहा है क्योंकि मैं इस कंपनी का एक एजेंट हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर एज एसोसिएट बायर हूँ। हम लोगों के स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सबसे ज़रूरी है हम लोगों को खाना पीना का ध्यान देना।
अभी यहाँ पे जो देख रहा है ये सब चाकी है। चाकी मतलब वो जो पत्थर का बना हुआ वो जो जाति का जैसा है वो सब चाकी है। यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है एक्चुअली, बहुत बार फिल्टर होके आने के बाद इस गेहूँ को यहाँ पे ग्राइंडिंग किया जाता है। उसके बाद ये चल जाता है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा एक मशीन में, जहाँ पे ठंडा होके वो जो गेहूँ का जो अलग तरह का जो भूसी होता है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग होने के लिए यह तक आ जाता है और इसके बाद यहाँ पे पैकिंग होता है। सो ये था आज का सबसे ज़बरदस्त वीडियो, जो कि है राजस्थान भीलवाड़ा का जो आटा बनाने के यूनिट। सो वीडियो कैसा लगे है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे बढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सी एम।